Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन नमस्कार गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का टेस्टबुक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दिस इज ऋतुराज अवस्थी और दोपहर को बच चुकी हैं सवा बारह आज क्लास हो गया है अपना शुरू राइट right? और कंप्लीट रिवीजन मॉडल पेपर थ्री इन वन जैसे ही है बट इसमें जो है ना अपन कंप्लीट रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन रखे हुए हैं इसमें राइट सो so, उनके बारे में हम रिवीजन करेंगे तो यस्टरडे वॉज नॉट गुड इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी पंकज सर ने क्लास लिया था आपका सो डोंट वरी गला खराब है बहुत बुरी तरीके से इस वजह से क्लास नहीं ले पाए थे कल ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आ, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कंप्लीट रिवीजन जैसे आप सभी पता है ये बात कई बार बताई है कि जो जीके है ना जीके में आपके हिस्ट्री भी आता है पॉलिटी भी आता है राइट जोग्राफी भी आता है एको भी आता है साइंस भी आता है करेंट अफेयर भी आता है ये सारी चीजें आपके जीके में आती हैं राइट right, सारी चीजें जीके में आती हैं उन सारी चीजों का रिवीजन हम करेंगे सारी चीजों का रिवीजन हम करेंगे अभी की क्लास में ठीक है तो चलिए आगे बढ़े उससे पहले अगर आप टेक्स्ट बुक सेलेक्ट लाइव कोचिंग में कोई भी बैच आप परचेस करते हैं और इफ यू आर यूजिंग दिस कोड आर ए टू जीरो आर ए टू जीरो कोड अगर आप यूज करते हैं ये कोड आप किसी को भी रेफर भी कर सकते हैं

धोलावीरा बनावली हरप्पा लोथल कहां पे पाया गया था ये आपको बताना है <coughs> टेराक पोटा ऑफ फील्ड तो इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा बनावली देखिए बनावली जो करेंटली कहां पर लोकेटेड है हरियाणा के फतेहाबाद में फतेहाबाद आता है हरियाणा में वहां पर लोकेटेड है फतेहाबाद हरियाणा ठीक है यहां पर लोकेटेड है बनावली और ऐसे अगर आप देखोगे तो ये बिलोंग करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से और ये जो सरस्वती रिवर है उसके किनारे सिचुएटेड था आर एस बिस्ट जी के द्वारा इसको खोजा गया था यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर आपसे क्वेश्चन इंडस वैली से पूछे ही जाएंगे ठीक है ध्यान रखिएगा तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है जब आप धोलावीरा की बात करते हैं तो ये यूनिक वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे पाया गया था हरप्पा की जब आप बात करते हो तो छह ग्रेनरीज मिले थे एक पर्टिकुलर रो में और जो आपके आ, लिंगम्स एंड योनि वगैरह यहाँ से मिले थे और लोथल अगर आप देखें तो डॉकयार्ड यहाँ से जो पर्टिकुलर समुद्र के तहत व्यापार होता था और यहाँ पर डबल ब्यूरिल वगैरह पाए गए थे राइस के यानी जो धान वगैरह होती है ना धान का कवर वगैरह भी यहां पे मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे विच प्लैनेट है बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इन आर सोलार सिस्टम हमारे सौर मंडल में कौन सा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है गुड आफ्टरनून आशुतोष तो इस यहाँ पे सब लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए राइट सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए काफी इम्पोर्टेंट है बारह तारीख से आप लोगों के जो एग्जाम है ये होने वाले हैं और आप सभी यहाँ पर जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जुपिटर बृहस्पति जिसे कहा गया राइट तो जुपिटर में मैग्नेटिक फील्ड जो आपके स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर है अर्थ के में सबसे ज्यादा राइट सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है जिसे बृहस्पति कहा गया और आप सभी जानते हैं कि यहां पे आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी मिलती है जब भी आप प्लानिट को याद करने की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है राइट right? एम E एम जे एस यू एन राइट मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस नेपच्यून तो मरकरी और जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है यहां पर राइट यहां पे आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, led द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था सत्रह में प्लासी का युद्ध हुआ था काफी इंपॉर्टेंट बैटल है ये 1757 में जो प्लासी का जो धुआ था काफी इंपॉर्टेंट बैटल है ये और ये ही वो पर्टिकुलर बैटल है जहां से जो इन्होंने आपका मतलब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था और बंगाल में पपेट नवाबों का दौर शुरू हो गया यानी कि नवाब तो हुआ करते थे लेकिन वो अंग्रेजों के इशारों पर काम किया करते थे और अंग्रेजों की सेनाओं को लेड किया था रॉबर्ट क्लाइक के द्वारा देखिए सत्रह में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो बंगाल और ब्रिटिश इन दोनों के बीच हुआ था बंगाल वर्सेस ब्रिटिश इन दोनों के बीच हुआ था और जब आप बंगाल जब आप बंगाल की बात करेंगे ना तो बंगाल और ब्रिटिश इन दोनों के बीच हुआ था बंगाल की सेनाओं को नवाब सिराजुद्दौला ने लेड किया था सिराजुद्दौला इनके द्वारा लेड किया गया था और जो ब्रिटिश की सेनाएं हैं ये लेड की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा राइट रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और ब्रिटिश यहां पर जीत जाते हैं इस पर्टिकुलर बैटल में और यहां से जीतने के बाद इन्होंने बंगाल को कब्जे में कर लिया था ठीक है चलिए सिराजुद्दौला एंड क्लाइव होगा जोगेंद्र जी और का मतलब होता है अथवा और सिराजुद्दौला एंड क्लाइव दोनों यहां पर थे अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग दॉइल इज कॉल्ड द सेल्फ फ्लोविंग सॉइल निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है अलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल लेटराइट क्ले और रेड सॉइल किसको कहा जाता है यह आपको बताना है देखिए आपसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ज्योग्राफी में जो सॉइल वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइट क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनते ही हैं और ये जो पर्टिकुलर सॉइल है ये एक ऐसी सॉइल है जिसमें कॉटन की खेती सबसे ज्यादा होती है इसे हम क्या बोलते हैं ब्लैक सॉइल काली मिट्टी ब्लैक सॉइल जो है ना इसमें आपका एक इंटेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और ये जो है ना मतलब सॉलिड और बिस्किस दोनों टाइप की होती है काली मिट्टी में पानी की को कंटेन करने की राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा होती है और यही सबसे यूज की जाती है किसके लिए आपके कॉटन की खेती के लिए राइट right, रूई की खेती के लिए विच स्ट्रेट सेपरेट द आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा कौन सी जलधारा जावा और सुमात्रा के दीपों को अलग करती है <coughs> जावा और सुमात्रा के दीपों को कौनसी पर्टिकुलर सॉइल कौनसी पर्टिकुलर जो आइलैंड हैं इनको स्ट्रेट आपका अलग करती है देखो आप सभी यहाँ पर जानते हो स्ट्रेट का मतलब होता है जो दो बड़े लैंड मासेस को अलग कर रहा हो और दो बड़ी वाटर बॉडी को ज्वाइंट कर रहा हो तो जावा और सुमात्रा को सुंडा स्ट्रेट ये जो सुंडा स्ट्रेट है ये आपका जावा और सुमात्रा इन दोनों को यहाँ पर क्या करता है जावा और सुमात्रा इन दोनों को ये अलग करता है ठीक है जावा सी और इंडियन ओशियन इन दोनों को यह कनेक्ट करता है जब आप यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान सी अंडमान सी और साउथ चाइना सी जो है ना इन दोनों को आपका ये क्या करता है अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी इन दोनों को यहां पर यह कनेक्ट करता है और इंडियन ओशियन में है आपका अंडमान सी और पैसिफिक ओशियन में आता है चाइना सी ठीक है मलय पेनेसोला में आईलैंड जो है ना मलय मलये और आईलैंड ऑफ सुमात्रा इन दोनों को अलग करता है आपका मलक्का और हॉर्म्यूज की जब आप बात करते हो सो जो पर्सियन गल्फ है और ओमान राइट पर्सियन गल्फ और ओमान इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करता है आपका हॉर्म्यूज इराक और जो अरेबियन पेनसुला है इन दोनों को सेपरेट कर देता है ठीक है जब आप गिबराल्टर की बात करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे बिजिएस्ट है जिसको स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को ये आपका कनेक्ट करता है राइट और गिब्राल्टर जो है ना ये गिब्राल्टर और स्पेन स्पेन का जो मोरक्को वाला जो पर्टिकुलर पेनसुलर स्पेन है मोरक्को है इन तीनों को यहां पर जो है ना मतलब अलग कर देता है एक साइड आपका स्पेन आ जाता है दूसरे साइड मोरक्को आ जाता है यही एक्चुअल में यूरोप और अफ्रीका यूरोप और अफ्रीका दोनों के बीच में सिचुएटेड है आपका स्टेट ऑफ गिब्राल्टर आगे देखिए हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर एंड वाइस रॉय ऑफ द पुर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया भारत के पुर्तगाली राज्य के पहले गवर्नर और वाइस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था त्रिस्तो दी कुना अल्फांसो डी एल्बुकर्क, मैनुअल एंटोनियो वस्लो ई सिल्वा फ्रांसिस्को डी एल्मिडा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर एंड वाइस ऑफ पुर्तगाली स्टेट इन इंडिया इसका आप सही उत्तर देखेंगे राइट right आंसर कहला जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा राइट फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका राइट right आंसर कहला जाएगा जिनको यहाँ पे पहला वाइस नियुक्त किया गया था फर्स्ट गवर्नर थे वाइस थे पुर्तगालियों के भारत में 1505 से 1509 के बीच में रहे हैं और इन्होंने जो है ना पुर्तगालियों की हैगेनोमी को इंडियन ओशन में स्थापित किया था और हिंद महासागर में मतलब पूरी तरीके से पुर्तगाली आधिपत्य आ गया था ब्लू वाटर संधि आप सभी को पता है हाउ मेनी नेशनल हाईवे वर मर्ज टू फॉर्म द नेशनल हाईवे 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विलय किया गया था 7, 5, और 4. कितने राजमार्गों का विलय किया गया था इसका जवाब सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा सेवन राइट नेशनल वाटर जो है ना सात नेशनल नेशनल हाईवे को मर्ज किया गया था तब जाकर के एन बना जो कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कहलाता है और ये कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक वर्क सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है ना इसको मेंटेन किया जाता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है चिनानी नसरी टनल जो है ये इसी पर कंस्ट्रक्टेड है इसी पर बनी हुई है आगे देखिए हाउ लॉन्ग डज लाइट फ्रॉम द सन टेक टू रीच द अर्थ सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है राइट right? चार मिनट आठ मिनट बारह मिनट और पंद्रह मिनट देखो यहां पे सेकंड्स की बात भी होती है लेकिन चूंकि सेकंड्स इसमें नहीं दिया गया है राइट तो सबसे नजदीकी क्या आ जाएगा सबसे नजदीकी आ जाएगा आठ मिनट राइट एग्जैक्ट एक, डेटा कितना होता है एग्जैक्ट होता है आपका एट मिनट ट्वेंटी सेकेंड आठ मिनट बीस सेकेंड का टाइम टाइम लगता है एग्जैक्ट सनरेज जो है तो उनको सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में बट चूंकि यहां पर ट्वेंटी मिनट नहीं दिया है इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे देखो दो ऑप्शन इसमें मिलते हैं एक तो आठ मिनट बीस सेकंड दूसरा आठ मिनट सोलह सेकेंड ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु फाउंडेड द धर्म सभा इन कोलकाता कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी गोपी मोहन देव भाई बालक सिंह सैयद अहमद और राधा कांता देव हाँ जी जोगिंदर अठा आठ मिनट सोलह सेकंड और आठ मिनट बीस सेकंड ये दोनों डेटा हमको मिलता है ठीक है आठ मिनट सोलह सेकंड एंड आठ मिनट बीस सेकंड ये दोनों डेटा हमको मिलता है इसलिए हम तुमको ये बताएं कि वो जो दोनों डेटा है ना उसमें से अब सबसे नजदीक कौन सा है राइट सबसे नजदीक कौन सा है सबसे नजदीक जो है ना तो आठ मिनट था आठ मिनट आपका राइट right आंसर कहला जाएगा ठीक है इसका सही उत्तर कहला जाएगा राधा कांता देव आपसे पूछा गया था जो कोलकाता में धर्म सभा है ये किसके द्वारा बनाई गई थी सो so, कोलकाता में धर्म सभा को राधा कांता देव जी के द्वारा बनाया गया था और ये एक कंजर्वेटिव टाइप की हिंदू सोसाइटी हुआ करती थी सोसाइटी प्रोटेक्ट करती थी आपके जो भी लिबरल और जो भी आपके रेडिकल रिफॉर्म्स थे राइट उनको सती प्रथा वगैरह इन सबको आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राइट विच अमंग दोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गेट वे ऑफ द ईस्टर्न इंडिया इनमें से किस बंदरगा को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है एनोर पोर्ट तुचिकोरेन पोर्ट हल्दिया पोर्ट और वी ओ चिदम्बरम पोर्ट गेट वे ऑफ ईस्टर्न इंडिया राइट गेट वे ऑफ ईस्टर्न इंडिया का मतलब आप लोग सभी लोग समझते हैं ना राइट कि उत, जो हमारा पूर्वी भारत है पूर्वी भारत में जाने के लिए गेटवे कौन सा कहलाता है तो वेस्ट बंगाल में स्थित हल्दियापुर राइट वेस्ट बंगाल में जो स्थित है हल्दियापुर इसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ द वेस्टर्न गेटवे ऑफ द ईस्टर्न इंडिया राइट पूर्वी भारत का गेटवे कहा जाता है और ये एक मेजर सी पोर्ट है जो लोकेटेड है कहां पर हुगली नदी के पास राइट जो कि लोकेटेड कहां पर है आपका हुगली रिवर के पास और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है जूट इंडस्ट्रीज के लिए फॉलोविंग टेक्स्ट इज रेड एज वेदांत निम्नलिखित में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है राइट right? वेदांत कहा जाता है वेदांग, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण किसको कहा जाता है? यह आपको बताना है आ, तो गई बात, वेदांत की बात हुई है यानी वेद का अंत वेदांत कहलाया राइट आंसर क्या कहला जाएगा उपनिषद उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं राइट right? जो उपनिषद है ये आपका वेदांत कहलाता है वेदों का अंत कहलाता है ठीक है और यहां पर देखिए जो भी आपके ब्रह्म सूत्र हैं भागवत गीता है इनको वेदांत या डिपार्चर ऑफ वेदांश के तौर पे जाना जाता है उपनिषद के साथ में ब्रह्म सूत्र श्रीमद भागवत गीता ठीक है आगे देखिए विच नेशनल वाटर वे कनेक्ट कृष्णा एंड गोदावरी रिवर कौन सा वाटरवे वे है जो कि कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ता है नेशनल वॉटरवे नंबर टू नेशनल वॉटरवे नंबर फोर नेशनल वॉटरवे नंबर फाइव नेशनल वॉटरवे नंबर सिक्स कौन सा वॉटर वे है जो कनेक्ट करता है कृष्णा और गोदावरी रिवर को राइट right, कृष्णा और गोदावरी रिवर को कनेक्ट करने की बात हो रही है तो कौन सा वॉटर वे है यस यस जय वीर आई एम गुड डोंट वरी देखिए कृष्णा और गोदावरी की जब हम बात करते हैं राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा नेशनल वॉटरवे नंबर फोर राइट नेशनल वाटर वे नंबर फोर नेशनल वाटर वे टू नहीं होगा टू नहीं होगा नेशनल वाटर वे नंबर फोर इसका राइट right आंसर है देखिए नेशनल वॉटर वे नंबर फोर आप सभी जानते हैं कि ये कृष्णा और गोदावरी नदी को कनेक्ट करता है जब भारत में नेशनल वाटर वे एक्ट 2016 आया था उसके बाद नेशनल वाटर वे नंबर फोर एग्जिस्टेंस में आया 1078 किलोमीटर से बढ़कर के 2890 किलोमीटर हो गया तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और पुडुचेरी जो यूनियन टेरेटरीज है इनको कनेक्ट करता है बेसिकली पंद्रह टर्मिनल है आपके नेशनल वाटरवे नंबर फोर में और ये काकीनाडा से लेकर के पुडुचेरी तक जाता है ठीक है कोरोमंडल में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन मंथ ऑफ खरीफ की फसलों की कटाई किस माह में की जाती है सितंबर अक्टूबर मार्च अप्रैल जून जुलाई मई जून खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है देखो इंडिया में जो पर्टिकुलर फसल सिस्टम है आप सभी जानते हैं राइट फसल सिस्टम आप सभी जानते हैं तीन है, है. रवि खरीफ और जायद ठीक है रवि खरीफ और जायद इनमें से अक्टूबर में जो है ना आपकी खरीफ की क्रॉप को काटा जाता है मैंने आपको बताया तीन पर्टिकुलर सिस्टम है फसल के रवि खरीफ एंड जायद, राइट रवि खरीफ है फसलों की बात करते हैं तो रबी की फसलों का जो सीजन है ये अप्रैल से लेकर के शुरू होता है अप्रैल टू जून तक जाता है ठीक है अप्रैल से लेकर के जून तक जाता है रवि के बाद जब आप जायद की फसलों खरीफ की फसलों अगर आप देखें तो खरीफ की जो फसलें हैं ये क्रॉप आपके आ, मतलब हार्वेस्ट होती हैं कब सितंबर अक्टूबर के समय पर राइट सितंबर अक्टूबर के समय पर ये हार्वेस्ट होती हैं और जो जायद की फसलें हैं ये शॉर्ट टर्म क्रॉप होती हैं राइट शॉर्ट टर्म क्रॉप होती हैं और शॉर्ट टर्म क्रॉप होने का मतलब है कि ये आपका जो है ना कुछ समय के लिए या जैसे कुकुम्बर हो गया वॉटरमेलन हो गया इनको जायद इनको कैश क्रॉप भी हम कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग ओपन दैट 1857 Rebold? नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिस्ट्रस्ट निम्नलिखित में से किसने कहा कि अठारह का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था अरे आवाज आ रही है यार सभी को इतने लोगों को आ रही है बताइए आप कह रहे हैं आपको आवाज नहीं आ रही है इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर क्या कहला जाएगा राइट आंसर यहां पर जो है ना ये कहला जाएगा आपका वेंजामिन डेजराइली देखिए अठारह का रिपोर्ट जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं राइट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं ये यहां पर नेशनल रिपोर्ट रूटेड इन डीप मिस्ट्रस्ट वेंजामिन डिजराइली ने ऐसा कहा था जब आप वी डी सावरकर जी की बात कहेंगे तो इन्होंने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आर सी मजूमदार इनके द्वारा जो है ना

अगला देखिए विच सेक्शन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज डोमिनेटेड बाई द दोआब उत्तरी मैदानों के किस हिस्से पर दोआब का प्रभुत्व है पंजाब प्लेन ब्रह्मपुत्र प्लेन गंगा प्लेन नो ऑप्शन इज करेक्ट इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर क्या कहला जाएगा पंजाब पेन राइट यहां पर आप देखिए विच सेक्शन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज डोमिनेटेड तो पंजाब पंजाब को आप सभी जानते हैं लैंड ऑफ फाइव रिवर्स के नाम से जाना जाता है राइट पांच नदियां वैसे तो देखे टोटल सेवन रिवर्स है उनमें से एक आपका जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो चुकी है विलुप्त हो चुकी है इंडस राइट फिर सतलुज ब्यास राबी चिनाब झेलम ठीक है और सरस्वती में से सरस्वती जो रिवर है ये आपका क्या हो चुकी है सरस्वती रिवर पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है छह नदियां अभी भी हैं तो एक पाकिस्तान में चली गई इंडस बाकी भारत से बहकर के पाकिस्तान जाती हैं आगे देखिए का मतलब क्या होता है दुआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का एरिया हु इज द प्रिंसिपल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर स्टॉक मार्केट इन इंडिया भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर स्टॉक मार्केट इन इंडिया इसका अगर आप सही उत्तर देखेंगे राइट right आंसर कहला जाएगा सेबी सेबी का मतलब कहलाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हमारे देश में जो भी स्टॉक मार्केट है यानी कि बीएससी एनएससी वगैरह इन सबको रेगुलेट करता है राइट कैपिटल मार्केट जितने भी हैं इन सबको रेगुलेट करता है 12 अप्रैल 1988 को सेबी को स्टेबल किया गया था हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है इसके रीजनल ऑफिस कोलकाता डेली और चेन्नई में आ जाते हैं राइट right? अब देखिए यहां पे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे फर्स्ट अप्रैल 1935 को बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत में जितने भी पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्शन है ये बैंकिंग सेक्शन का रेगुलेटर कहलाता है राइट right? जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भारत में 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था ये सबसे अपेक्स कोर्ट कहलाता है राइट right? ये भी कहां पर है न्यू डेली में सिचुएटेड है फिर यहां पर देखिए जो फिनेंस मिनिस्ट्री है वित्त मंत्रालय तो आप देखिए ये डील करता है टैक्सेशन फाइनेंस वगैरह से और 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखम चेट्टी हमारे भारत के सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द गुटेन वर्ग डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट गुटेन वर्ग असंबद्धता अलग करती है मेंटल एंड कोर आउटर कोर एंड लोअर मेंटल इनर कोर एंड आउटर कोर द क्रस्ट एंड अपर मेंटल इसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर क्या आउटर कोर एंड लोअर मेंटल देखिए डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि अर्थ में सर्टेन लेयर्स पाई जाती हैं अर्थ में जो सर्टेन लेयर्स पाई जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो लेयर एक के बाद एक शुरू हो जाती है वो एक जहां से खत्म होती है दूसरी जहां से शुरू होती है उनके बीच में कुछ ट्रांजिशन फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूटी इस तरीके से ही जो गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ये आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है बुद्धास टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसिपल एंड आर नोन एज बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया था और उन्हें किस रूप में जाना जाता है दीपावामसा त्रिपिटक महावामसा और ऑल ऑफ द अबव राइट right. इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा त्रिपिटक कौन कौन से त्रिपिटक है सो एक जिसको बोला जाता है विनय पिटक दूसरा जिसे बोला जाता है पिटक और तीसरा जिसे बोला जाता है अभिधम्म पिटक अभिधम्म पिटक राइट right. तो ये जो है ना आपके ये तीनों त्रिपिटक कहलाते हैं जो बुद्धिज्म के लिटरेचर हैं आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी दमेटी रिलेटेड विद द रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया भारत में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों के सुधारों से संबंधित थी बैंकिंग सेक्टर राइट right? बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी समिति है ये आपको बताना है या कौन सी समिति को बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए यहां पे स्टार्ट किया गया था

1991 में इस पर्टिकुलर कमेटी को बनाया गया था ठीक है राइट right? अच्छा एक और कमेटी बनी थी 1998 में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द साउदर्न स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है आप सभी जानते हैं कि इंडिया का जो कोस्ट है राइट जो कोस्टल लाइन एरिया है तो ये वाला वेस्ट कोस्ट कहलाता है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है और ये ईस्टर्न कोस्ट कहला जाता है जो वे ऑफ बंगाल से जुड़ा है तो जब हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं ना तो वेस्ट कोस्ट में सबसे पहले आ जाता है कोंकण फिर आता है आपका कर्नाटका और फिर आता है मालाबार राइट मालाबार तो कई जगह पर मालाबार को जो है ना कर्नाटक कर्नाटक वाले पर्टिकुलर तट को कर्नाटक तट को किसमें काउंट किया जाता है मालाबार तट में ही काउंट किया जाता है राइट और कई जगह पर बाकी तीन है। तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा मालाबार जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो आपका मालाबार कहला जाएगा ठीक है नॉर्दर्न साइड पहले कोंकण फिर कर्नाटक फिर मालाबार ईस्टर्न में आप देखोगे तो कोरोमंडल राइट और उत्कल ये दो तट आ जाते हैं उड़ीसा वाला उत्कट कहला जाएगा और तमिलनाडु साइड वाला आपका जो है ना ये कहला जाएगा कोरोमंडल अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी राइट right? अरुणा आसिफ अली कस्तूरबा गांधी सरोजनी नायडू नो ऑप्शन इज करेक्ट देखिए भारतीय नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू बनी थी राइट पहली इंडियन जो है ना वीमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू बनी थी अच्छा यहाँ पे कई बार थोड़ा सा जो है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कन्फ्यूजन किस बात का होता है अगर आपसे ये पूछेगा कि भाई फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट तो एनी एनिबेशन हो जाएंगी फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट तो सरोजनी नायडू अगला क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवर इज द एटमोस्फियर मोस्ट आइडियल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन हवाई जहाज के उड़ने के लिए वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत सबसे अधिक आदर्श है आप सभी को मैंने कई बार ये ट्रिक बताई है दैट इज कॉल्ड एज ट्रस्ट मी इन द एग्जाम ट्रस्ट मी इन द एग्जाम राइट ये कई बार मैंने आपको बताया है तो टी आर एस टी एम ई आई एन टी एच ई एक्स ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फेर मीसोस्फियर आयनो और थर्मो ये दोनों एक हैं और एक्सोस्फेर राइट right? इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा दिस इज वॉट बी कॉल्ड एज स्ट्रेटोर इसे हम स्ट्रेटोफियर कहते हैं हवाई जहाज उड़ने के लिए वायुमंडल की सबसे अच्छी जो परत है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है बिकॉज यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता जबकि हम ट्रोपोस्फेयर की अगर बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर जो है ना ये एक ऐसी एसिस्फेयर है ट्रोपो का मतलब होता है चेंज ट्रोपोस्फेयर में आपके चेंजेस बहुत होते हैं राइट right, मौसम परिवर्तन बहुत होते हैं और स्ट्रेटो में नहीं होते हैं आगे देखिए ऑफ आग दीज एयरपोर्ट एयरपोर्ट फॉर्मली नोन एज दमदम निम्नलिखित में से कौन से एयरपोर्ट को दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है तो आप सभी को यहाँ पे पहुंच जाना है कलकत्ता अब कलकत्ता के एयरपोर्ट का नाम क्या है वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट राइट कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है इसको ही पहले दमदम एयरपोर्ट कहा जाता था दमदम हवाई अड्डा कहा जाता था आज जो है ना तो उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये कहां पर है वाराणसी में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद में है हु द फॉलोइंग रूलर वॉज मैं इन द सेंड्रो कॉटस इनमें से किस शासक का उल्लेख सेंड्रो कॉटस के रूप में किया गया था अशोक चंद्रगुप्ता मौर्य बिंदुसार और यस कोलकाता सिटी ऑफ जॉय बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं सो देखो सेंड्रोकोटस जो है ना ये किसको कहा गया था ये चंद्रगुप्ता मौर्य को कहा गया था जस्टिन जस्टिन एक ग्रीक राइटर है राइट जस्टिन जो है ये आपके एक ग्रीक राइटर है और यहां पर अगर आप देखेंगे जस्टिन को तो इनके द्वारा ही यहां पे चंद्रगुप्ता मौर्य को सैंड्रोकोटा कहा गया था राइट था उसकी जो किताब थी एपिटोम उसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन भैया चंद्रगुप्ता मौर्य ध्यान रखना राइट सैंड्रोकोटा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था जस्टिन के द्वारा जो कि एक यूनानी लेखक था ठीक है इसने यहां पर जो एपिटोम नामक पुस्तक लिखी थी उसमें इसने जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा था ठीक है सेंड्रोकॉटस के रूप में उसको बताया था आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलेटेड टू तो रेवोल्यूशन तो राइट आंसर कहला जाएगा सिल्वर रेवोल्यूशन जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ये किस से रिलेटेड है तो ये आपका सिल्वर रेवोल्यूशन से रिलेटेड है पोल्ट्री इंडस्ट्री और ये एक ट्रेमेंडस इंक्रीज है जो भी आपका प्रोडक्शन होता है एग और पोल्ट्री वगैरह का इंदिरा गांधी जी जो है ना तो ये आपके रिलेटेड है सिल्वर रेवोल्यूशन से अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है एंड डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव अ डिजायर्ड गोल गांधी जी के द्वारा कहां और कब गांधी जी के द्वारा कहां और कब हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल को उपयोग किया गया था एज द वीपन ऑफ अचीविंग डिजायर्ड गोल इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा तो अहमदाबाद में 1918 1918 जो ईयर था यहाँ पे गांधी जी ने यूज किया था राइट और 1918 में आप देखिए गुजरात मिल ओनर्स और जो वर्कर के बीच में प्लेग बोनस को लेकर के डिस्प्यूट हुआ था राइट जो वर्कर्स थे डिमांड कर रहे थे फिफ्टी परसेंट वेज हाइक को और मिल ओनर सिर्फ उनको ट्वेंटी परसेंट वेज हाइक दे रहे थे इस बात को लेकर के जब गांधी जी ने इंटरफियर किया तो फिर थर्टी परसेंट का हाइक इनको दिया गया था अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड निकोबार द्वीप समूह को देखिये अंडमान और निकोबार आईलैंड सभी जानते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे ये कहला जाएगा दस डिग्री राइट दस डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड दस डिग्री नॉर्दर्न लैटीट्यूड ये अलग करता है किसको दस डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है इनको अलग करता है ठीक है दस डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन ऑफ 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 बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम इंडिया इज द फुल फॉर्म सेक्टर इन इंडिया राइट भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है बैंकिंग सेक्टर के उसमें अगर हम देखें तो इसका आप सही उत्तर देखें so right answer कहला जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आर कहा जाता है इसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट राइट और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है फुलटीजीएस का ठीक है और अगर आप देखो तो दो लाख रुपया राइट right? दो लाख रुपया तक जो है ना अभी मिनिमम अगर आपको भेजना है तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और दो लाख से कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है मिनिमम दो लाख है आरटीजीएस का बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल इन इंडिया लोकेटेड इन बैरन द्वीप भारत में इकलौता एक सक्री ज्वालामुखी है ये कहां पर स्थित है बैरन आइलैंड भारत में इकलौता सक्री ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जहां पर बैरन आईलैंड सिचुएटेड है राइट एस और जो भी आपका स्पिंग लावा वगैरह है ये यहाँ से आपका रिलीज होते रहता है मगध अंपायर वॉज स्टैब्लिश ऑन द बैंक ऑफ मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर की गई थी यमुना रिवर सोन रिवर गोमती रिवर और सरयू रिवर इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा सोन रिवर ठीक है मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर की गई थी तो इसका सही उत्तर कहला जाएगा सोन रिवर ठीक है सोन रिवर और गंगा रिवर के मुहाने पर हुआ था एक्चुअल में आप सभी जानते हैं कि जो पटना है ना पाटलिपुत्र के नाम से जिसे पहले जाना जाता था ये सोन रिवर और गंगा नदी के जहां पर मिलती है वहीं पर सिचुएटेड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजकोषीय नीति का कोई साधन नहीं है ओपन मार्केट ऑपरेशन टैक्सेशन पब्लिक बारोइंग पब्लिक एक्सपेंडिचर तो जब आप इसका सही उत्तर देखेंगे राइट right आंसर क्या कहला जाएगा राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन राइट ओ एम जिसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन तो ये एक फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिस्कल पॉलिसी जिसे आप बजट के नाम से भी जानते हैं राइट right? जिसे आप बजट के नाम से भी जानते हैं ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है बाकी टैक्सेशन बोरोविंग एक्सपेंडिचर ये सब कुछ बजट का ही पार्ट कहलाता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टाइप ऑफ अर्थक्वेक ऑकर इन माइनिंग एक्टिविटीज खनन गतिविधियों में किस प्रकार के भूकंप आते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक वोल्केनिक अर्थक्वेक अर्थ अर्थक्वेक और एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक किस तरीके के जो अर्थक्वेक है ये आपकी माइनिंग की एक्टिविटीज में आते हैं खनन गतिविधियों में इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा कोलप्स अर्थक्वेक राइट right, जो है तो ये आपके खनन गतिविधियों में आते हैं कोलब्स अर्थक्वेक पेकल यानी कि जाना फिर बाहरी नुकसान होता है उसमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 थर्टी फाइव वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था हेनरी कोलब्रुक वुड्स डिस्पैच मैकाले का मिनट या मैकाले इज थॉमस बबिंगटन इसका सही उत्तर आप देखेंगे क्या कहला जाएगा मैकाले मिनट राइट मैकाले का मिनट इसका राइट आंसर कहला जाएगा मैकाले अरे कभी भी आप देखोगे इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड भारत में मैकाले है राइट मैकाले मैकाले के द्वारा यहां पर जो है ना इसको लाया गया था और मैकाले को इंडिया का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में चार्टर एक्ट जो आया था अठारह का उसके तहत अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं दो तीन चार पांच कितने क्षेत्र हैं यह आपको बताना है तो यहां पर देखिए आप सभी जानते हैं तीन पर्टिकुलर सेक्टर आते हैं राइट इंडिया की जो इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी इसको तीन पर्टिकुलर सेक्टर में डिफाइन किया गया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर में डिफाइन किया गया है प्राइमरी जो है ना तो मेन आपका प्राइमरी सेक्टर आ, ये जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं एग्रीकल्चर माइनिंग वगैरह इससे रिलेटेड है, है। सेकेंडरी सेक्टर अगर आप देखें तो ये भी जो आपके नेचुरल मटेरियल्स हैं प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी सेक्टर से और टेरिटरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर कहला जाता है विच अमंग द फॉलोविंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी? नदी की सहायक नदी नहीं है टैंगोन रिवर भीमा रिवर कोयना रिवर टुंग रिवर कृष्णा नदी के ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी नहीं है ये अगर आपको देखना है तो टैंगोन रिवर इसका राइट आंसर कहला जाएगा जो कि कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है बाकी भीमा कोयना टुंग भद्रा ये तीनों आपकी रिवर है राइट और पुर, पुनार भाबा ये जो ट्रिब्यूटरी है ना टेंगोन रिवर ये आपका पुनार भाबा नदी की ट्रिब्यूटरी है पुनार भाबा नदी आप अगर देखें तो ये लाई करती है इंडिया और बांग्लादेश राइट इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ठीक है और पुनार भाबा रिवर आगे जाकर के धेपा नामक स्थान धेपा नदी में मिलती है फिर बांग्लादेश में और फिर आगे जाकर के पदमा यानी कि गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है द फर्स्ट जैन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज एट प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां पर किया गया था राइट right. जो फर्स्ट जैन असेंबली है ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुई थी पाटलिपुत्र वैशाली राजग्रह और बल्लभी कहां पर ऑर्गेनाइज हुई थी ये आपको बताना है इसका आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा पाटलिपुत्र राइट का राइट आंसर कहला जाएगा और फर्स्ट जैन असेंबली जो ऑर्गेनाइज हुई थी कहां पर ये पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज हुई थी प्रेजेंट में जैसे अपन पटना कहते हैं तीन सौ बीसी में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहला एटीएम पेश किया था एच डी एफ सी एच एस बी सी आई सी आई सी आई एक्सिस बैंक तो इसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर कहला जाएगा एच एस बी सी हॉन्गकॉन्ग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन जिसको हम कहते हैं राइट हॉन्गकॉन्ग एंड संघाई बैंकिंग ये आपका इसके द्वारा जो है ना भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था एटीएम के सेवन को 1987 1987 में इन्होंने एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था अंधेरी ईस्ट मुंबई में ठीक है इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में आ जाता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज बाई फॉर द मोमेंट सीरियस 1857, सत्तावन के बाद के सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन किसने किया लॉर्ड फ्रैंकलिन बेल्ट चियांग काइसेक चर्चिल किसके द्वारा किया गया था सो so, इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर क्या कहला जाएगा लॉ वॉइसरॉय लिनलेथगो ठीक है जो है ना इसके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट को जो बोला गया था बाई फॉर द मोस्ट सीरियस इन ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी तो आप सभी जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी और यह बना था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 फोर अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया गया था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन माउंटेन क्लाइमेट टाइप पहाड़ी जलवायु प्रकार के क्षेत्रफल में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन मिक्सड कॉनीफेरस एंड डेसिडियस फॉरेस्ट वेजिटेशन टास्स लिंचन फॉरेस्ट वेजिटेशन अल्पाइन पास्टर कॉनीफेरस फर्न इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट right आंसर क्या कहला जाएगा अल्पाइन पास्चर्स कॉनिफेरस फर्न राइट ये जो है ना नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है माउंटेन क्लाइमेट टाइप में ठीक है जिसे आप क्या बोलते हैं अल्पाइन चराई कॉनिफर फर्न ये सारे के सारे आपके कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपके पाए जाते हैं जो भी पर्टिकुलर पहाड़ी जलवायु है उसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरदेश मुखी इन द मराठा रिजीन वॉज अ मराठा में सरदेश मुखी एक थी राइट सरदेश मुखी क्या हुआ करती थी मराठा अंपायर में यह आपको बताना है मराठा अंपायर में सरदेश मुखी क्या हुआ करती थी तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा टैक्स लीव ऑन रेवेन्यू Right? राजस्व पर लगाया गया जो टैक्स है उसे सरदेशमुखी कहा जाता था ठीक है सरदेशमुखी कहा जाता था और यह लगभग 25% परसेंट पच्चीस परसेंट के आसपास जो है ना राजस्व पर लगाया जाता था यह टैक्स इन विच ईयर रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम द यूनियन बजट किस वर्ष में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था 1921, 22, 23, 24 वर्ष में जो रेलवे बजट है रेलवे बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था वो जो है ना चौथ और सरदेशमुखी हुआ करता था गोविंद देखो दो टैक्स थे एक जिसको कहा जाता था चौथ और दूसरा जैसे कहा जाता था सरदेश मुखी राइट तो जो चौथ था ये कितना लगता था आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट चौथा हिस्सा और यही आपका जो है ना इसी के ऊपर सरदेश मुखी फिट हुआ करता था ठीक है इसी के तो, इसी के ऊपर जो है ना चौथ आपका ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट हुआ करता था इसके ऊपर सरदेशमुखी आता था राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइनटीन ट्वेंटी फोर जो रेलवे सेपरेट किया गया था यूनियन बजट से उन्नीस में ठीक है चौबीस में जो है ना आपका इसको अलग कर दिया गया था रेलवे को डेवलप करने के लिए रेलवे और यूनियन बजट दोनों को अलग कर दिया गया था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोविंग स्थुमस कनेक्ट द नॉर्थ अमेरिका विथ साउथ वेस्ट एशिया निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अफ्रीका को दक्षिण पश्चिम एशिया से जोड़ता है पनामा पैराकोप स्वेज और चिंगनेक्टो देखिए स्थुमस की बात करी गई है गईमस का मतलब होता है ये दो बड़े लैंड को कनेक्ट करता है दो बड़ी वाटर बॉडी को सेपरेट करता है राइट right, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो राइट right आंसर क्या कहला जाएगा स्वेज राइट स्वेज कनल है जो आपके नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट ऑफ एशिया इन दोनों को कनेक्ट करता है अभी आप जानते हैं स्वेज कनल में एक बहुत बड़ा जहाज भी फंस गया था एक बहुत बड़ा सिप भी फंस गया था जिसको निकाला गया बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन द बजट फिगर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट इज कॉल्ड भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है राइट right, क्या कहा जाता है वॉट बी कॉल दिस तो अगर हम इसका सही उत्तर देखें राइट आंसर कहला जाएगा डेफिसिट, राइट डेफिसिट एक्चुअल में चार तरीके के होते हैं राइट right, जो आपके डेफिसिट है ये चार तरीके के होते हैं और जो चार तरीके के डेफिसिट होते हैं उनमें आपका जो भी पर्टिकुलर रेवेन्यू है और रेवेन्यू के साथ साथ जो आपका रिसीप्ट है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच के बीच अंतर को डेफिसिट कहा जाता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंडर विच एक्ट वॉज द दा डायरकी सिस्टम इंप्लीमेंटेड इन द प्रोविंस किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी काउंसिल ऑफ द इंडिया एक्ट नाइन इंडिया एक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अरे कुछ नहीं होगा अपनी तरफ से तैयारी तो रखो कितना दिन बचा है अब आज नौ तारीख हो गई तीसरे दिन एग्जाम है इसका राइट आंसर कहला जाएगा काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। देखो एक चीज ध्यान रखना जो लोगों की बातों में बहकना मत। लोग क्या बोलते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको ठीक है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको अगर पोस्ट होगा अगर वो पोस्ट होगा तो उसका ऑफिशियल नोटिस आ ही ना जाएगा ऑफिशियल नोटिस आ ही जाएगा अगर पोस्टपोन्ड होगा तो समझ रहे हो ना तो इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा काउंसिल ऑफ इंडिया अगला क्वेश्चन देखिए हु अमंग दिंग रूलर बिल्ट किला मुबारक इन भटिंडा निम्नलिखित में से किस कुषाण शासकों ने भटिंडा में किला मुबारक जो है इसको बनाया था राइट right. किला मुबारक यहां पर इसकी बात करी गई है आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा इसका राइट आंसर कहला जाएगा आपका कनिष्क जो राजा कनिष्क हैं इनके द्वारा यहां पर किला मुबारक को बनाया गया था आगे देखिए बिटवीन विच ईयर प्लान द गवर्नमेंट डिक्लेयर प्लान प्लान का मतलब है सरकार के पास पैसा नहीं रह गया था तो सरकार ने पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई और जब सरकार ने पंचवर्षीय योजना नहीं, तो मतलब नहीं, नहीं थी योजना थी लेकिन वो कौन सी योजना थी एनुअल प्लान था फाइव प्लान नहीं था राइट right? एनुअल प्लान, था, प्लान नहीं था तो किस पंचवर्षीय योजना के समय पर घोषित किया गया था तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी थर्ड फाइव ईयर प्लान में 1962 और 1965 दो दो युद्ध लड़ लिए थे भारत ने राइट दो दो युद्ध लड़ लिए थे भारत ने और ये जो दो दो युद्ध यहां पर भारत ने लड़ लिए थे ना इसके कारण सरकार ने अपना पूरा ध्यान किस पर लगा दिया था डिफेंस सेक्टर में लगा दिया था डिफेंस में लगा दिया था ठीक है और जब डिफेंस सेक्टर में इन्होंने अपना सारा ध्यान लगा दिया था तो इसके बाद क्या होता है कि भाई सरकार ने एनुअल प्लान बनाए प्लान हॉलीडे डिक्लेयर करके अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज इज द बेनिहाल पास सिचुएटेड तो बेनिहाल पास जो है तो कहां पर स्थित है यह आपको बताना है बेनिहाल पास कहां पर स्थित है यह आपको बताना है इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर क्या कहला जाएगा पीर पंजाल राइट पीर पंजाल हिमालयन रेंज जो है जो आपका इनर हिमालय का पार्ट है यहां पर आपका बेनिहाल पास सिचुएटेड है जम्मू कश्मीर में राइट और पीर पंजाल एक तरीके से देखे तो सबसे ग्रेटेस्ट रेंज है आपके जो लेसर हिमालय है उसकी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग ब्लिस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इनमें से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है राइट right? कौन सा है जो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को प्रकाशित करता है तो आप सभी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना तो ये यह यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को प्रकाशित करती है राइट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को प्रकाशित करती है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर ऑफ द असेंबली अपॉइंटेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनली पास संविधान सभा के कितने सदस्यों ने आखिरकार संविधान में अपना हस्ताक्षर किया था तो इसका सही उत्तर आप देखें राइट आंसर हो जाएगा 284 जो हमारा 26 नवंबर 1949 था जिस दिन दो वर्ष 11 माह और 18 दिन की मेहनत के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था ना तो दो मेंबर ने साइन किया था हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द स्लेब डायनेस्टी निम्नलिखित में से कौन सा पर्टिकुलर रूलर है जो कि स्लेब डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता स्लेप डायनेस्टी का मतलब है जिसे हम क्या बोलते हैं गुलाम वंश राइट right, तो गुलाम वंश से बिलोंग नहीं करता ये आपको बताना है कौन सा है जो गुलाम वंश से बिलोंग नहीं करता इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा हमीर देखो इलतुतम कैकुबाद और बलवन ये तीनों आपके गुलाम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे लेकिन जब हम यहाँ हमीर की बात करते हैं सो हमीर गुलाम वंश से बिलोंग नहीं करता था राइट हमीर गुलाम वंश से बिलोंग नहीं करता था हमीर सिंह जो है ये आपके चाइल्ड हुआ करते थे मतलब अरी सिंह के बेटे थे और जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय पर जो बैटल हुआ था उसमें मारे गए थे राइट और उनकी मदर जो उर्मिला थी उन्होंने जौहर कर लिया था तो ये मतलब उससे बिलोंग नहीं करते बाकी सारे आपके गुलाम वंश से बिलोंग करते हैं द कंडीशन इन विच मार्केट सप्लाई मैच मार्केट डिमांड इज कॉल्ड वह स्थिति जिसमें मार्केट की आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है उसे हम क्या बोलते हैं राइट इक्वलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन इक्विम नन ऑफ द अब राइट किससे बिलोंग करती है यह आपको बताना है इसका राइट right आंसर क्या कहला जाएगा तो भाई इसका राइट right आंसर जब आप देखेंगे दिस इज वॉट बी कॉल्ड एज इक्म देखो डिमांड जितना डिमांड है उतनी सप्लाई है राइट right? डिमांड के बराबर सप्लाई है तो जब डिमांड के बराबर सप्लाई है तो उसे हम क्या बोलते हैं दैट इज वॉट बी कॉल्ड एज द इक्म संतुलन कहते हैं उसको अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रामगढ़ प्लेट्यू इज द एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लेट्यू रामगढ़ पठार निम्नलिखित पठारों में से किसका उदाहरण है इंटरमाउंटेन्स uh, प्लेट्यू माउंटेन स्टेप प्लेट्यू लाइक -like प्लेट्यू और कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे दिस इज वॉट बी कॉल्ड एज डोम लाइक प्लेट्यू यानी कि पठार इसको हम कहेंगे राइट right? जो आपका रामगढ़ प्लेटू है ये एग्जाम्पल किसका है ये ये यानी के आकार का है? ये पूरा का है पूरा पूरा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया वॉज स्टेबल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी भारत में सबसे पहला जो शेयर मार्केट है ये कहां पर स्टेबल की हुआ था राइट right? भारत में सबसे पहला शेयर मार्केट कहां पर स्टेबल हुआ था किस शहर में इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट right आंसर कहला जाएगा मुंबई मुंबई इसका राइट right आंसर कहला जाएगा जहां पर की इसको स्टेबल किया गया था भारत के पहले कैपिटल मार्केट को आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्ब्रेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है सोशल लीगल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल किस में नहीं आता है इसका राइट right आंसर आप देखिए लीगल राइट लीगल इसका राइट right आंसर हो जाएगा अरे वो दलाल स्ट्रीट जो है ना मुंबई की दलाल स्ट्रीट तो पहला जो शेयर मार्केट है मुंबई की दलाल स्ट्रीट में हुआ था एटीन सेवेंटी फोर अट्ठारह सो चौहत्तर में ठीक है जिसे बोला गया था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन जो बाद में जाकर के क्या बन जाता है आपका बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रूलर द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज की उपाधि को अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्ता और स्त्री गुप्ता इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट right आंसर कहला जाएगा चंद्रगुप्ता फर्स्ट राइट right? महाराजाधीराज की उपाधि को अपनाने वाला जो पहला गुप्त शासक है उसे चंद्रगुप्ता फर्स्ट कहा गया और यहीं से अगर हम देखें तो गुप्ता अंपायर ये आपका एक अलग लेवल पर पहुंचता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज ये क्या कहलाता है देखो एनएनपी मार्केट प्राइस में है राइट एनएनपी मार्केट प्राइस में से हमने क्या चीज माइनस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस और यहां से अगर ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है ना तो हम क्या बोलते हैं दिस इज वॉट बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम राइट क्यों क्योंकि ये जो है ना ये क्या कहला जाएगा आपका दिस बिल कॉल्ड एज एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट एन एन पी फैक्टर कॉस्ट जो कि नेशनल इनकम कहलाता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर स्थित है संघाई न्यू दिल्ली ब्राजीलिया और मास्को कहां पर स्थित है यह आपको बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स लोकेटेड तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स है इसका मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो ये कहां पर लोकेटेड है इट इज लोकेटेड इन संघाई राइट कहां पर लोकेटेड है ये संघाई में लोकेटेड है ब्रिक्स का जो पर्टिकुलर मुख्यालय है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट कौन सा पर्टिकुलर शेड्यूल है जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है ये आप सभी को पता है जो सेवेंथ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट right? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेवेंथ शेड्यूल है इस सातवें शेड्यूल में यहां पे क्या हुआ था भाई शक्तियों का वितरण हुआ था राइट शक्तियों का वितरण हुआ था शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इंडिया इज अति फेडरल स्टेट किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघी राज्य है लॉर्ड ब्राइस इवोर जॉनिंग एच एल एच एच लस्की केसी बी आर ए इसका सही उत्तर आप देखेंगे केसी बी आर ए इसका राइट right आंसर कहला जाएगा वासी फेडरल स्टेट जो है इंडिया को कहा था जिन्होंने विस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ अर्थ वेन इकोनॉमी है मुद्रा स्फीति होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति और मंदी दोनों साथ साथ होती है स्टैग फ्लेशन डिफ्लेशन कोर इन्फ्लेशन बोथ टू एंड थ्री इसका राइट right आंसर क्या कहला जाएगा इसका राइट right आंसर कहला जाएगा स्टैग फ्लेशन ठीक है रजिस्ट्रेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है उसे स्टैग फ्लेशन कहा जाता है यस आवाज गड़बड़ है बिकॉज तबियत ठीक नहीं है कल तो बहुत ही ज्यादा खराब थी कल तो आवाज निकल ही नहीं रही थी दैट इज वोट की सेशन कैंसिल हुआ था फिर पंकज सर ने क्लास लिया था राइट और कुछ नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है विच अमंग द फॉलोविंग इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमेजरी नोट निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन पत्र के रूप में जारी एक असुरक्षित मुद्रा बाजार का साधन है ट्रेजरी बिल कमर्शियल पेपर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और पार्टिसिपेटरी नोट तो इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा राइट right आंसर जो है ना इसका कहला जाएगा कमर्शियल पेपर राइट कमर्शियल पेपर इसका राइट right आंसर कहला जाएगा जहां पर आप देखिए अनसिक्योर्ड क्योंकि कमर्शियल पेपर आप सभी जानते हैं कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है राइट right, उनके द्वारा इशू किए जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किए जाते हैं सो इनमें जो है ना आपका कोई सिक्योरिटी नहीं होती है ये आपके अनसिक्योर्ड होते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम राइट बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था अलाउद्दीन बहमन शाह फिरोज शाह बहमनी अहमद शाह और महमूद गवन हु फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम तो जब आप यहां पर बहमनी किंगडम के फाउंडर की बात करेंगे तो राइट आंसर कहला जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह राइट अलाउद्दीन बहमन शाह जो है ना ये आपके फाउंडर कहला जाते हैं बहमनी साम्राज्य के इनके द्वारा ही बहमनी साम्राज्य को बनाया गया था द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अ सर्वे कंडक्टेड एंड पब्लिस्ड बाई अब विश्व आर्थिक दृष्टिकोण किसके द्वारा आयोजित और प्रकाशित एक सर्वेक्षण है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो गाइज इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट right आंसर क्या कहला जाएगा दिस इज वॉट बी कॉल्ड एज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है ना राइट right, इसके द्वारा आपका ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को पब्लिश किया जाता है राइट right? किसके द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे आईएमएफ कहा जाता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिस्ड इन विच एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है ये किस पर्टिकुलर वर्ष में इसे स्टेबल किया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष में स्टेबल किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सही उत्तर आप देखिए तो राइट आ, ए, अरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पिछले वाले का था इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट 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 आंसर आंसर कहला जाएगा 1982 राइट? 1982 इसका राइट आंसर कहला जाएगा बयासी में जो है ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ए, जो आपका सॉरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था और ए, इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि भारत का जो भी एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको बढ़ाना राइट और भारत में जो पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको बढ़ाना ठीक है हेडक्वार्टर इसका कहां पर है मुंबई में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वन ऑफ द द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ओवर द अंडमान निकोबार आइलैंड निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में से किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के जुडिशिक्शन में आता है इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा कलकत्ता राइट कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन इन्फ्लेशन इज इन डबल इज कॉल्ड जब स्फीति दो अंक होती है तो उसे क्या कहा जाता है गैलोपिंग लो इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या कहा जाता है इसको तो इसका सही उत्तर आप देखिए राइट आंसर कहला जाएगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन राइट गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहला जाएगा जहां पर इन्फ्लेशन डबल डिजिट में बढ़ रहा हो दस बीस तीस इस तरीके से

लक्ष्य को ही ये अचीव कर पाई थी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर स्पीकर ऑफ लोकसभा भारतीय संविधान के किस भाग में है? लोकसभा के अध्यक्ष के लिए प्रावधान है तो इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा पार्ट नंबर फाइव भाग पांच जिसे कहा गया पार्ट नंबर फाइव में लोकसभा के स्पीकर का प्रावधान है जो कि आपके लोकसभा के हेड होते हैं आर्टिकल नंबर 93 थ्री पार्ट नंबर फाइव आर्टिकल नंबर 93 थ्री पार्ट नंबर फाइव आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच किंग ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वॉज ऑल्सो नोन एज दकलोत्तर पथनाथ पुष्यभूति वंश के किस राजा को सकलोत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता था हर्षवर्धन नरवर्धन राज्यवर्धन ग्रहवर्धन किसको जाना जाता था तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर राजा हर्षवर्धन इसका सही उत्तर कहला जाएगा राजा हर्षवर्धन को जाना जाता था पुष्यभूति डायनेस्टी में एज द सकलोत्तर पथनाथ ठीक है आगे बढ़ते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था आई ए का मुख्यालय कहां पर स्थित है लंदन वियना, वियतनाम और वॉशिंगटन डीसी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर आप देखिए कहला जाएगा वियना। राइट वियना इसका राइट आंसर कहला जाएगा जहां पर आपका अंतर्राष्ट्रीय जो आपका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का स्थित है लोकेटेड है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द दिलीम माउंटेन रेंज इज इन विच कॉन्टिनेंट जो किली मंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है माउंट किली मंजारो तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ जाता है माउंट किली मंजारो जिसे कहा जाता है राइट right? और माउंट क्लीमजारो का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है मायुब के लिए मंजारो सबसे हाइजेस्ट पीक भी है जो फाइव एट नाइन फाइव मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है अफ्रीका का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धुआंधार वॉटरफॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया धुआंधार जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो देखिए नर्मदा नदी में है धुआंधार वाटरफॉल और ये मध्य प्रदेश में आता है मध्य प्रदेश का जो जबलपुर नामक शहर है ये वहां पर है राइट धुआंधार वाटरफॉल वहां पर लोकेटेड है द मेजर ऑफ द एक्चुअल और ऑब्जर्व चेंज इन टैक्स रेवेन्यू रिलेटिव टू जी डी पी इज कॉल्ड जी डी पी के सापेक्ष कर राजस्व में वास्तविक या देखे गए बदलाव को क्या कहा जाता है टैक्स बी टैक्सिटी टैक्स बेस टैक्स टू जी डी पी रेशियो इसका राइट right आंसर आप देखिए टैक्स राइट जो कि आपका रेवेन्यू रिलेटिव है जी डी पी से एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच इटेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स 54 53 और 55 कब किया गया था यह आपको बताना है इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा 1953 1953 सौ में जो आपका स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन है इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया ठीक है गाइस सो दिस इज फॉर द डे आज की क्लास में इतना ही राइट और आज की क्लास में इतना ही आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे राइट right? सेशन आपको समझ आया होगा और सेशन को शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा राइट और, भी यहां like और well कर so जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन प्रेस कर दीजिए सो दैट जितने भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है क्लासेस के वो आप तक पहुँच सकें अगर आप टेक्सटबुक सेलेक्ट लाइव कोचिंग में कोई भी पर्टिकुलर बैच परचेस करते हैं एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड आर ए टू जीरो आर ए टू जीरो अगर आप यूज करते हैं यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ आपको बीस परसेंट का ऑफ मिलेगा राइट बीस परसेंट का ऑफ मिलेगा सो फाइनली गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट क्लास हैव अ ग्रेट डे बाय टेक केयर